इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेनोवा के फ़ोन्स में वाइब्रेशन प्रॉब्लम के बारे में। अगर हमारे लेनोवा के फ़ोन्स में वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको जो है मोबाइल की सेटिंग्स में जाना होगा, तो मोबाइल की सेटिंग्स में हम चलते हैं। और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आता है, तो यहाँ पर आपको रिंग एंड वाइब्रेशन मिलते हैं, तो इसको खोल लीजिएगा। खोलने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर वाइब्रेशन के टिक लगे हुए होने चाहिए और वाइब्रेशन के साउंड भी यहाँ पर खुलने चाहिए, क्योंकि अगर ये साउंड नहीं खुलेगे तो वाइब्रेशन वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पर आप कस्टम वगैरह में भी देख सकते हैं सिस्टम के, इसमें भी जैसे आप चाहने लगे कि स्क्रीन पर लॉक लगे, साउंड लगे, ये तो आप इस पर भी क्लिक करके लगा सकते हैं। और वाइब्रेशन यहाँ पर ज़रूरी भी है, क्योंकि वाइब्रेशन वर्क नहीं करती तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर ऐसा भी नहीं बता रहा हूँ कि अगर आपके मोबाइल में वाइब्रेशन ख़राब होगी तब आप वर्क करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप अगर अपने बिना मोबाइल के मेरी वीडियोज़ को नहीं देख पाते, इसी तरीके से जब आपका वाइब्रेशन नहीं रहेगा तो आपकी आवाज़ भी नहीं आएगी। तो ये प्रोसेस है। और अगर यहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर भी दूंगा। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।